हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मछली कैसे बनाते हैं, इजी तरीके से टेस्टी मछली कैसे बनाए। तो आइए इसे जानते हैं। पहले इसमें ये जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैंने 1 केजी मछली यहाँ पे ले लिया हुआ है। मैंने मार्केट से खरीद के इसे अच्छे से धो दिया है। आप लाए तो अच्छे से एकदम धो दें। देखिए, मैंने अच्छे से इसको धो दिया है। 1 किलो मछली लिया है मैंने, और इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी वो मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने ये सरसों लिया हुआ है। ये 20 ग्राम लगभग सरसों है, तो मैंने यहाँ पे सरसों लिया है। और क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, 1 टमाटर लिया हुआ है मैंने, देख सकते हैं आप। और मैंने यहाँ पे 4 मिर्ची ली हुई है, 1 2 3 4 चार मिर्ची ली हुई है। और यहाँ पे मैंने 5 ग्राम लगभग अदरक लिया हुआ है, और 25 ग्राम लगभग मैंने लहसुन लिया है। 1 मीडियम साइज का प्याज दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। 1 ही प्याज लेना है मीडियम साइज का। और ये मैंने 2 तेजपात दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। 2 तेजपात है, 2 तेजपात दिया हुआ है। और ये है मेरा मसाला, में जीरा मरीच का पाउडर है ये, और ये हल्दी पाउडर है, और ये मैंने एवरेस्ट का गर्म मसाला लिया है, और ये नमक, और ये मैंने जीरा लिया है थोड़ा सा, और ये मैंने मेथी लिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो मैं बताने जा रही हूँ आपको। वीडियो अंत तक देखें तो आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले किन किन चीजों की जरूरत है, तो सबसे पहले हम लहसुन ले लेंगे। लहसुन को हम मिक्सी में पीसेंगे। लहसुन ले लिया, लहसुन मैंने 25 ग्राम लगभग लिया हुआ है। और फिर जो मैंने अदरक यहाँ पे लिया हुआ है, काट के देख सकते हैं मैंने रखा हुआ है ये अदरक। इस अदरक को डाल देंगे इसमें जार में, और इसमें 2 मिर्च डाल देंगे, 1 2 2 मिर्च डाल देंगे, और इसको पीस देंगे। तो आइए मैं पीस के दिखाते हूँ, उसके बाद मछली में कैसे इसे मिक्स करते हैं वो भी देखते हैं। तो इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए देखते हैं कैसे फिश बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट बना लिया है, एकदम महीन से। देखिए, एकदम बहुत पतला पीसा है मैंने इसे। अब इसे जो कि ये मछली देख रहे हैं आप, फिश को, इसका इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। देखिए, मेरा एकदम सूखा सा है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और ये जो कि मैंने लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट बनाया था, इसे हम मछली में डाल देंगे। इसको डालने के बाद अब इसमें हम क्या डालेंगे, तो हम इसमें पहले नमक डालेंगे। अब नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। फ्राई करने टाइम थोड़ा सा ज्यादा ही नमक डालना चाहिए, क्योंकि अगर फ्राई भी खाते हैं तो उसमें भी अच्छा लगे। और इसमें हल्दी डालेंगे, देख सकते हैं आप। इसमें मैंने लहसुन अदरक मिर्ची हल्दी और नमक, 3 सब चीज मिला दिया है। अब हम मछली में सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। धीरे धीरे सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। देखिए, इसमें मैंने सब कुछ अच्छे से मिक्स कर दिया है, और ये अब अच्छा भी लगने लगा है देखने में। सब कुछ मैंने जो लहसुन अदरक मिर्ची हल्दी और नमक जो कि डाला, उसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। याद रखें, इसमें पानी बिल्कुल भी डाल के मिक्स नहीं करना, सूखा सूखा मिक्स करना है। देख सकते हैं, मसाला अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए हर मछली के पीस में। तो अब देखिए, मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल अच्छे से मेरा गर्म भी हो चुका है। तो हम इसमें अब धीरे धीरे मछली को डालेंगे। मैंने तेल की क्वांटिटी ज्यादा नहीं ली है, थोड़ा कम ही लिया है, क्योंकि मछली में जब तेल कमी लगता है। और हम अच्छे तरीके से बनाएंगे, क्योंकि घर में होटल का तो खाना नहीं है, घर में अपना अच्छे से बना के खाएं। इस तरीके से आपको मछली डाल देनी है। और इसको धीमी आंच में अच्छे से फ्राई होने देना है। देखिए, मेरा एकदम धीमी आंच है, इसको अच्छे से फ्राई होने देना है। और अगर ये लाल होते रहे तो 1-1 मिनट में इसको पलटाते रहें,
और फिर अच्छे से लाल हो जाए तो उसको निकाल लें। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे। देखिए फ्रेंड्स, फिश एकदम लाल हो चुका है, एकदम फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे एक एक करके अच्छे से। देख सकते हैं आप, एकदम लाल हो चुका है ये और कितना अच्छे से लाल हुआ है। आप इसको फ्राई भी खा सकते हैं। और आइए इसे मसाले में कैसे डालते हैं वो मैं दिखाती हूँ। अब इन मछली को रस में डालना है, तो देखिए रस में डालने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में जो कि हम लोगों का तेल बच गया था, तो अगर आपका तेल अगर कम बच जाए तो थोड़ा सा तेल डाल दे। तो मेरा तेल इतना बच गया था तो मैं इसमें बना रही हूँ। तो अब इसमें सबसे पहले हमें क्या डालना है, ये जो कि मैंने दो तीन स्टाक लिए हुए थे इसको डाल देना है। तेल में डाल दिया, तेल ऑलरेडी गर्म है, इसमें डाल दिया। तो तेल में तीन स्टाक को डाल दें। उसके बाद ये मैंने जो कि जीरा और मेथी लिया हुआ है, ये जीरा मेथी देख सकते हैं आप, ये लिया हुआ है, इसको हम तेल में डाल देंगे। अब इसको पकने देंगे थोड़ा सा। इसको पका लेंगे और आंच एकदम धीमी आंच पे पकाना है। देख सकते हैं मेरी आंच एकदम धीमी है, इसको धीमी आंच पे ही पकाना है। देखिए ये एकदम फोरन जो कि मैंने डाला था पिचकाच जीरा और मेथी का, देखिए एकदम पिचकाच अब पक चुका है, लाल हो चुका है। तो अब हम इसमें सबसे पहले प्याज डालेंगे। प्याज मैंने ये काट के रख लिया था, प्याज डाल देंगे इसमें। प्याज मिर्ची साथ में ही डालना चाहिए क्योंकि मिर्ची उड़ती है, ऐसे प्याज मिर्च के साथ डालने से नहीं उड़ती मिर्ची। प्याज और मिर्ची को डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे, लाल होने देंगे इसको अच्छे से। इसको फ्राई होने देते हैं। गैस आपको बिल्कुल भी तेज नहीं करनी है, एकदम मीडियम में रखना है, एकदम स्लो में ही पकाना है प्याज को। और ये देखिए मैंने सरसों और एक प्याज में ही थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था, इन दोनों को मिला के मैंने पीस लिया है मिक्सी में, एकदम नहीं पीसा है। और इसको और मैंने ये देख सकते हैं आप, टमाटर मैंने काट के रख लिया है। तो अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे, वो देखिए आप कैसे कर रहे हैं मसाला तैयार। तो देखिए ये प्याज अब लाल हो चुका है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, ये मैंने जो कि कटा हुआ टमाटर लिया था और इसमें मैंने सरसों और प्याज जो मैंने पीसा आपको बताया वो डाल दिया। तो ये हम इसको अब प्याज में डाल देंगे और अभी कुछ नहीं डालना हमको। अब थोड़ा सा हल्का सा पानी देंगे इसमें, हल्का सा देख सकते हैं थोड़ा सा एकदम पानी दिया, ऐसे करके इसमें डाल देंगे, अच्छे से भूनेंगे, अच्छे से मिक्स कर दे। अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, वो मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे इसको करना है। इसको जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला में हमको क्या क्या तैयार करना है मैंने जो लिया था वो मैंने बता ही दिया आपको। तो इसमें मैंने जो जीरा पाउडर और मरीच का पाउडर लिया था इसको हम इसमें डाल देंगे। ज्यादा मसाला ना डालें, कम ही डालें, ज्यादा मसाला नहीं खाना चाहिए तेल मसाला, तो मैं कम ही डाल रही हूँ क्योंकि अच्छे तरीके से बनाने पे खाने का स्वाद आता है, ज्यादा तेल मसाले से स्वाद नहीं आता खाने में। और ये मैंने हल्दी डाल दी और ये जो कि मैंने गरम मसाला लिया हुआ था मैं गरम मसाला डाल रही हूँ इसमें। और ये नमक डाल देते हैं, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल दें, मेरा थोड़ा कम हो गया है मैं और ले लूंगी इसमें। स्वाद अनुसार नमक डाल के और इसमें पानी डाल के जब तक वो फ्राई हो रहा है हमारा टमाटर,
सरसों और प्याज, तब तक इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, फिर अच्छे से मिक्स कर दें और तब तक इसे फ्राई होने दें। इसको फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट तक इसे फ्राई करें, 5-6 मिनट तक अच्छे से लाल होने तक। अब फ्राई हो चुका है और ये जो हमने मसाला भिगोया था ये अब हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा पानी और कटोरी में डाल के डाल देंगे इसमें। अब इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इसको भी फ्राई होने देंगे। देखिए मसाला इस तरह आपने डाल दिया होगा, देखिए इस तरह मसाला को फ्राई कर लेंगे हम अच्छे तरीके से एकदम मीडियम आंच में। इसे फ्राई होने देंगे, उसके बाद हम मछली डालेंगे, तो फ्राई भी होने देते हैं इसे। देखिए मसाला मेरा फ्राई हो चुका है, मसाले में तेल बिल्कुल छोड़ दिया है, देख सकते हैं आप। अब हम इसमें पानी डालेंगे, पानी जितना आपको रस खाना है उस हिसाब से आप पानी डालें। मैं थोड़ा सा और इसमें पानी डाल रही हूँ, पहले से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आंच को तेज कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा और हम पानी डालेंगे क्योंकि मछली भी डालेंगे तो मछली भी पिएगी पानी। देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है, अब पानी उबलने तक हम वेट करेंगे, उसके बाद हम मछली डालेंगे। पहले मछली नहीं डालना है तो पानी को उबलने देते हैं। देखिए पानी उबल चुका है तो अब हम इसमें मछली को डाल देंगे। मैं मछली इसमें डाल देती हूँ। अगर आपको ज्यादा रस रखना है तो आप ज्यादा भी डाल सकती हैं। अब इसको मैंने डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद गैस को स्लो करके इसको हम ढक देंगे। अब इसको हम ढक देंगे, ढकने के 5 मिनट के बाद हम फिर इसे निकालेंगे। निकाल के मैं दिखाती हूँ कैसा बना। देखिए मेरी मछली अब हो चुकी है, क्योंकि मछली में थोड़ा सा रस ज्यादा होता है, कभी ज्यादा रहती है, तो मछली मेरा हो चुका है। आप भी देखिए कितना लाजवाब दिख रहा है मछली, आप भी इसे घर में जरूर ट्राई करें, मार्केट से बहुत अच्छा होगा ये। घर में अपना तेल मसाला अच्छे से यूज करें, मार्केट में पता नहीं कैसे कौन यूज करता है, तो घर में आप बनाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं। देखिए फिश बहुत अच्छी बनी है, आप देख भी सकते हैं। देखिए फिश कितनी अच्छी बनी है, आप देख सकते हैं, इसका रस भी अच्छा हुआ है। तो आप भी इसे घर में बनाएं, ट्राई करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।